हाय बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक वासुदेव। आज मैं एक छोटी सी मजेदार आत्मकथा का परिचय देने वाला हूँ, जो अपने बारे में कई दिलचस्प बातें बताने वाला है। चलिए सुनते हैं उसी की जुबानी में। बच्चों, आगे देखते हैं। आत्मकथा सुनने से पहले आत्मकथा की परिभाषा जानेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं आत्मकथा माने क्या है? अच्छा, ठीक है, सुनिए। अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा को आत्मकथा कहते हैं। जैसे गांधी जी ने अपने ही जीवन को एक किताब के रूप में दर्शाया है, जिसका नाम है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। अब्दुल कलाम जी ने भी अपनी आत्मकथा को विंग्स ऑफ फायर के रूप में लिखे। आपकी तरह एक छोटी सी बच्ची मलाला यूसुफ जाही ने भी अपनी आत्मकथा को आई एम मलाला के रूप में प्रस्तुत किए। इस तरह कोई भी अपने जीवन का वर्णन लिख सकता है, उसी को आत्मकथा कहते हैं। बच्चों, आपने अभी अभी आत्मकथा की परिभाषा देखे हैं। मैं हूं कूड़ेदान, आप सबका मेरी आत्मकथा में स्वागत है। आप इस पाठ के अंतर्गत सोचिए बोलिए, विषय प्रवेश, पाठ का विश्लेषण, सुनिए बोलिए, पढ़िए लिखिए, भाषांश, सृजनात्मकता और व्याकरणांश सीखने वाले हैं। अब पहले भाग के अंतर्गत सोचिए बोलिए, विषय प्रवेश, पाठ का विश्लेषण देखेंगे। मेरी आत्मकथा का पहला भाग। इस पहला भाग के अंतर्गत सोचिए बोलिए, विषय प्रवेश, पाठ्यांश, इसके अंतर्गत पहले दो अनुच्छेदों को सीखते हैं। इस पाठ के द्वारा प्राप्त होने वाली सीखने की संप्राप्तियाँ साफ सफाई के बारे में परिभाषित कर सकेंगे, बीमारियों से बचे रहने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, पाठ में चित्र को देखकर स्वच्छता पर चर्चा कर सकेंगे, स्वस्थ अस्वस्थ और स्वच्छ अस्वच्छ संबंधी विषयों में तुलना कर सकेंगे, पूर्व ज्ञान का संबंध नए ज्ञान से जोड़ सकेंगे, पर्यावरण के प्रति अपने भाव को अभिव्यक्त कर सकेंगे, स्वच्छ अभियान के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेंगे, अच्छी और बुरी आदतों का भेद कर सकेंगे। सोचिए बोलिए। बच्चों, इस चित्र ध्यान से देखिए। इस चित्र में आपने घर, लोग और पेट देखा है। यह लोग साफ सफाई कर रहे हैं। साफ सफाई से कोरोना जैसी महामारियों से भी बच सकते हैं। इस साफ सफाई की आवश्यकता को दर्शाते हुए हमारे भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है। हम सबको स्वच्छता की ओर जागरूक करने के लिए भारत सरकार से प्रसारित एक छोटी सी वीडियो आगे देखते हैं। अब उठो, देश के भाग जगाने हैं आपको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के मुट्ठी कसने की बारी है। स्वच्छता की ज्योत जागी रहे, स्वच्छता की ज्योत जागी रहे। दम दमक दम 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 के गा इंडिया, चम चमक चम 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 के गा इंडिया।
अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको, अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको, बनकर धारा बहना है हमको डगर डगर, बसती बसती गांव गली और हर एक नगर नगर, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जगमग जगमग सी ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी, दम 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 के गा इंडिया, चम चमक चम 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 के गा इंडिया। जिद पे आ जाए देश मेरा फिर देखना तुम, कोना कोना जगमग जगमग होना ही है, जिद पे आ जाए देश मेरा देश मेरा देश मेरा फिर देखना तुम, कोना कोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के मुट्ठी कसने की बारी है, हर दिशा दिशा का मुखड़ा छप से धोना है, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, स्वच्छता की बरखा आ गई रे, स्वच्छता की ज्योत जागी, दम चमक दम 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 के गा इंडिया, चम चमक चम 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 के गा इंडिया। सूरज को स्नान कराना है, धरती को भी नहलाना है, जो मन से निकले उमड़ घुमड़ उस नदी को आँच बहाना है, स्वच्छता की ज्योत जागी रे, 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 जगमग जगमग सी ज्योत जागी रे, बच्चों इस गाने में प्रमुख हस्तियों ने एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाने का संदेश दिए हैं। चलिए हम भी अपना एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाते हैं। सोचकर सही विकल्प पहचानिए। पहला प्रश्न, इस चित्र में आपने क्या क्या देखा? गली, घर, लोग, ये सभी। बहुत बढ़िया, सही जवाब। इस चित्र में आपने गली, घर, लोग, ये सभी देखा। बहुत बढ़िया, सही जवाब। सोचकर सही विकल्प पहचानिए। दूसरा प्रश्न, गंदगी रहने से क्या फैलती है? बीमारियां, खुशबू, पेट, स्वच्छ हवा। बहुत बढ़िया, सही जवाब। गंदगी रहने से बीमारियां फैलती हैं। बहुत बढ़िया, सही जवाब। शाबाश बच्चों, चलो आगे देखते हैं। विषय प्रवेश। घर, गांव, गली और मोहल्ले की गंदगी देखकर लोग मुंह ढक लेते हैं, भौहें सिकोड़ते हैं, लेकिन कूड़ेदान उसी गंदगी को ढोते हुए सबको बीमारियों से बचाता है, गांव और शहरों को साफ सुथरा रखता है। चलो आज हम कूड़ेदान के बारे में जानेंगे।
था या नहीं में उत्तर पहचानिए। तीसरा प्रश्न, कूड़ा करकट इधर उधर फेंकना चाहिए, हाँ या नहीं? बहुत बढ़िया, सही जवाब, कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। बहुत बढ़िया, सही जवाब। हाँ या नहीं में उत्तर पहचानिए। चौदहवां प्रश्न, गंदगी से कई बीमारियां फैलती हैं, हाँ या नहीं? बहुत बढ़िया, सही जवाब, गंदगी से कई बीमारियां फैलती हैं। चलिए अगले स्लाइड देखते हैं। बहुत बढ़िया, सही जवाब। रिक्त स्थान भरिए। पांचवा प्रश्न, पर्यावरण हमारा कौन सा कवच है, रक्षा या लोह? बहुत बढ़िया, सही जवाब, पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है। बहुत बढ़िया, सही जवाब। रिक्त स्थान भरिए। छठवां प्रश्न, हमें क्या फैलाना चाहिए, गंदगी या स्वच्छता? बहुत बढ़िया, सही जवाब, हमें स्वच्छता फैलाना चाहिए। बहुत बढ़िया, सही जवाब। शाबाश बच्चों, चलो आगे देखते हैं। पाठ्यांश, बच्चों कूड़ेदान पाठ के अंतर्गत पहले दो अनुच्छेदों को देखते हैं। बच्चों मेरी आत्मकथा शुरू करें, सुनिए। मैं कई रंगों में मिलता हूँ, मेरे कई आकार है, घर स्कूल दफ्तर हो या सड़क, मैं सब जगह रहता हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ, चीज हूँ मैं बड़े काम की, सोचो मेरा नाम, ज्यादा नहीं है मेरा दाम, आता हूँ मैं सबके काम, अब तो समझे, हाँ मेरा नाम कूड़ेदान है। आज मैं आपको पते की बात बताता हूँ, संसार में एकमात्र मैं ही हूँ जो अपने शरीर पर लिखकर चलता हूँ, यूज मी, मेरा उपयोग करे। बच्चों इसी अनुच्छेद को एक मजेदार वीडियो के रूप में देखते हैं। कूड़ेदान, मैं कई रंगों में मिलता हूँ, मेरे कई आकार, घर स्कूल दफ्तर हो या सड़क, मैं सब जगह रहता हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ, चीज़ों में बड़े काम की, सोचो मेरा नाम, ज्यादा नहीं है मेरा दाम, आता हूँ मैं सबके काम, अब तो समझे, हाँ मेरा नाम कूड़ेदान है। आज मैं आपको पते की बात बताता हूँ, संसार में एकमात्र मैं ही हूँ जो अपने शरीर पर लिख कर चलता हूँ, यूज मी, मेरा उपयोग करें। स्पष्टीकरण, कूड़ेदान कई रंग और आकार के होते हैं, घर स्कूल दफ्तर हो या सड़क, जैसे सभी जगहों पर इसकी आवश्यकता है। इसका दाम ज्यादा तो नहीं, पर काम सबके आते हैं। संसार में जहाँ भी देखो इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कूड़ेदान पर लिखा जाता है कि मेरा उपयोग करें। इसे अंग्रेजी में कहते हैं कि यूज मी। चलिए दूसरा अनुच्छेद देखेंगे। बच्चों सुनिए, पहले लोग पुरानी बाल्टी डिब्बा या किसी भी टूटी हुई चीज का
उपयोग कूड़ा डालने के लिए करते थे, पर अब समय बदल गया है। अब मैं प्लास्टिक टिन, गत्ते, लोहे व स्टील से बनाए जाने लगा हूँ। पहले तो मेरा मुंह खुला रहता था, अब तो मैंने ढक्कन लगवा लिया है। जब मेरी आवश्यकता हो ढक्कन खोलो और मुझे उपयोग में लाओ। बच्चों, इसी अनुच्छेद को एक मजेदार वीडियो के रूप में देखते हैं। पहले लोग पुरानी बाल्टी, डिब्बा या किसी भी टूटी हुई चीज का उपयोग कूड़ा डालने के लिए करते थे, पर अब समय बदल गया है। अब मैं प्लास्टिक टिन, गत्ते, लोहे व स्टील से बनाया जाने लगा हूँ। पहले तो मेरा मुंह खुला रहता था, अब तो मैंने ढक्कन लगवा लिया है। जब मेरी आवश्यकता हो ढक्कन खोलो और मुझे उपयोग में लाओ। स्पष्टीकरण: प्लास्टिक टिन, गत्ते, लोहे व स्टील आदि सामग्री कूड़ेदान बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले कूड़ेदान खुला रहता था, अब ढक्कन वाले डिब्बे मिलते हैं। अब कूड़े कचरे को ढक्कन वाले डिब्बे में डालना चाहिए। खुला छोड़ने से कई तरह बीमारियां फैलती है। शब्दार्थ: दफ्तर, ऑफिस, गंदगी, डर्ट, कूड़ेदान, डस्टबिन, गत्ता, कार्डबोर्ड। विलोम शब्द: सफाई, गंदगी, पुरानी, नई। पर्यायवाची शब्द: सड़क, रास्ता, राह, चीज, वस्तु, पदार्थ। पाठ के आधार पर इन शब्दों से सही क्रम में वाक्य निर्माण कीजिए। सातवां प्रश्न: मिलता हूँ मैं कई रंगों में। बहुत बढ़िया, सही वाक्य निर्माण किया, मैं कई रंगों में मिलता हूँ। बहुत बढ़िया, सही जवाब। पाठ के आधार पर इन शब्दों से सही क्रम में वाक्य निर्माण कीजिए। आठवां प्रश्न: उपयोग मेरा करे। बहुत बढ़िया, सही क्रम से वाक्य निर्माण किया, मेरा उपयोग करे। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। बहुत बढ़िया, सही जवाब। शाबाश बच्चों, चलो आगे देखते हैं। कूड़ेदान: मेरी आत्मकथा के अंतर्गत पहले दो अनुच्छेदों के मुख्य बिंदु देखेंगे। चलिए बच्चों, कूड़ेदान एक आत्मकथा पाठ है। आत्मकथा माने अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा को आत्मकथा कहते हैं। कूड़ेदान गंदगी को ढोते हुए सबको बीमारियों से बचाता है। कूड़ेदान कई रंगों और आकारों में मिलता है। घर, स्कूल, दफ्तर और सड़क सभी जगहों पर इसका इस्तेमाल करते हैं। कूड़ेदान हमेशा कहता है कि मेरा उपयोग करें। प्लास्टिक टिन, गत्ते, लोहे व स्टील आदि सामग्री कूड़ेदान बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें कूड़े कचरे को ढक्कन वाले डिब्बे में डालना चाहिए। संक्षिप्त प्रश्न: कूड़ेदान बागवान पाठ के अंतर्गत सोचिए बोलिए विषय प्रवेश पाठ्यांश
पहले दो अनुच्छेदों में संक्षिप्त प्रश्न देखेंगे। बच्चों, इन प्रश्नों के अंतर्गत एक मजेदार खेल खेलेंगे। कौन बनेगा छात्रोत्तम? शुरू करें। कौन बनेगा छात्रोत्तम में पहला प्रश्न, स्वच्छ रहने का अर्थ क्या है? हर दिन स्नान करना, घर साफ रखना, साफ कपड़े पहनना, ये सभी। बहुत बढ़िया, सही जवाब। स्वच्छ रहने का अर्थ हर दिन स्नान करना, घर साफ रखना, साफ कपड़े पहनना, ये सभी आते हैं। कौन बनेगा छात्रोत्तम में अगला प्रश्न, कोरोना वायरस से बचने के लिए कैसी सावधानियां लेनी चाहिए? हाथ धोना, मास्क पहनना, भौतिक दूरी बनाए रखना, ये सभी। बहुत बढ़िया, सही जवाब। कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें हाथ धोना, मास्क पहनना, भौतिक दूरी बनाए रखना, ये सभी सावधानियां लेनी चाहिए। कौन बनेगा छात्रोत्तम में अगला प्रश्न, हमें कचरे को कहाँ डालना चाहिए? घर में, कूड़ेदान में, गली में, तालाबों में? बहुत बढ़िया, सही जवाब। हमें कचरे को कूड़ेदान में डालना चाहिए। कौन बनेगा छात्रोत्तम में अगला प्रश्न, गंदगी से क्या क्या फैलते हैं? कीटाणु, विषैले पदार्थ, बीमारियां, ये सभी। बहुत बढ़िया, सही जवाब। गंदगी से कीटाणु, विषैले पदार्थ, बीमारियां, ये सभी फैलते हैं। कौन बनेगा छात्रोत्तम में अगला प्रश्न, आजकल कूड़ेदान कितने रंगों में मिलते हैं? कई रंग, एक रंग, दो रंग, तीन रंग? बहुत बढ़िया, सही जवाब। आजकल कूड़ेदान कई रंगों में मिलते हैं। कौन बनेगा छात्रोत्तम में अगला प्रश्न, कूड़ेदान कैसा पाठ है? कविता, संवाद, आत्मकथा, नाटक? बहुत बढ़िया, सही जवाब। कूड़ेदान एक आत्मकथा पाठ है। कौन बनेगा छात्रोत्तम में अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत का नारा क्या है? एक कदम शहर की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम गंदगी की ओर, एक कदम अस्वस्थ की ओर? बहुत बढ़िया, सही जवाब। स्वच्छ भारत का नारा एक कदम स्वच्छता की ओर है। कौन बनेगा छात्रोत्तम में अगला प्रश्न, सूखा कचरा और गीले कचरे को अलग करना चाहिए, हाँ या नहीं? बहुत बढ़िया, सही जवाब। सूखा कचरा और गीले कचरे को अलग करना चाहिए। कौन बनेगा छात्रोत्तम में अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर शब्दों को सही क्रम दीजिए। कई,
है, आकार, मेरे। इन विकल्पों से सही क्रम दीजिए। बहुत बढ़िया, सही जवाब। इन शब्दों का सही क्रम है, मेरे कई आकार है। कौन बनेगा छात्रोत्तम में? अंतिम प्रश्न। पर्यायवाची शब्द पहचानिए। सड़क, चीज। इन दो शब्दों को पर्यायवाची शब्द नीचे दिए गए विकल्पों से चुनिए। राह, पदार्थ, वस्तु, रास्ता। बहुत बढ़िया, सही जवाब। सड़क का पर्यायवाची शब्द राह और रास्ता। चीज का पर्यायवाची शब्द वस्तु और पदार्थ। शाबाश बच्चों, चलो आगे देखते हैं। बच्चों, इस पाठ के द्वारा आपने इन संप्राप्तियों को प्राप्त किया है। साफ सफाई के बारे में परिभाषित कर सकते हैं। बीमारियों से बचे रहने का ज्ञान पुनस्मरण कर सकते हैं। पाठ में चित्र को देखकर स्वच्छता पर चर्चा कर सकते हैं। स्वस्थ और अस्वस्थ विषयों की तुलना कर सकते हैं। पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान से समीक्षा कर सकते हैं। पर्यावरण के प्रति अपने भाव को अभिव्यक्त कर सकते हैं। स्वच्छ अभियान के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी और बुरी आदतों का चयन कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, कैसे लगी मेरी आत्मकथा? बहुत मजेदार है ना? चलिए कूड़ेदान के दूसरे भाग में फिर मिलते हैं।